देखो सब अच्छे आके ध्यान दीजिए, क्या होता है अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर पे एक और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया जाए तो इसकी वैल्यू सिंगल ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर होगी। ध्यान रखना, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर पे एक और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दें तो वैल्यू सिंगल ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर होगी। दो नहीं, तीन हो, चार हो, पांच हो, कितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक के बाद एक लगा दें तो वैल्यू हमेशा सिंगल ग्रेटेस्ट इंटीजर के ही बराबर होगी। देखो वजह यह है कि जैसे हमने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब देखो ये ऑलरेडी इंटीजर है तो इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर करोगे तो किसके बराबर होगा, इंटीजर के ही बराबर होगा। क्योंकि देखो ये इंटीजर है, इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर करोगे तो इंटीजर के ही बराबर होगा। तो हम एक साथ कितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लगा दें एक के बाद एक, ठीक है, तो हमेशा वो सिंगल ग्रेटेस्ट इंटीजर के ही देखो इक्वल होगा। ध्यान रखना हमेशा, ठीक। देखो एक बात और ध्यान दो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ में आई, आई मतलब इंटीजर प्लस में है तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। मतलब ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस आई, क्योंकि आई का ग्रेटेस्ट इंटीजर उसी के बराबर होता है। आई मतलब इंटीजर, आई मतलब क्या है, इंटीजर। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस आई है तो इसको अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान रखना। मतलब जैसे मान लो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस टू है तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस टू। जैसे मान लो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस थ्री है तो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस थ्री, है ना। तब लिख सकते हैं जब इंटीजर हो, अगर इंटीजर नहीं है तो नहीं। मान लो ऐसे है एक्स प्लस वन बाई टू है तो ऐसे अब हम लोग इसको अलग अलग नहीं कर सकते, अब गलत हो जाएगा, है ना, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि देखो ये टर्म इंटीजर नहीं है इसीलिए ऐसा नहीं कर सकते, ध्यान दो, है ना। इंटीजर होगा तो ऐसा कर सकते हैं। देखो ध्यान दो, अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 इंटू एक्स है तो कभी भी गलती से ऐसे मत लिख देना, ऐसा कोई रूल नहीं है। या ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई टू है तब भी गलती से अलग मत कर देना, ऐसा कोई रूल नहीं है। हाँ ध्यान देना, मॉडुलस में ऐसा होता है, अगर मॉड ऑफ x इंटू वाई होता है तो मॉड x अलग कर देते हैं, मॉड y अलग कर देते हैं। मॉड ऑफ x अपॉन y होता है तो मॉड x अलग कर देंगे, मॉड y अलग कर देंगे। जैसे मान लो मैं से लिखें मॉड ऑफ थ्री इंटू एक्स तो मॉड थ्री अलग, मॉड एक्स अलग, मॉड थ्री क्या हो गया, थ्री मॉड एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो जो चीज मॉडुलस में सही है वही ग्रेटेस्ट इंटीजर में गलत है, और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर में सही है वो मॉडुलस में गलत है। देखो मॉडुलस में कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते, एक्स प्लस टू है तो कभी इसको अलग अलग नहीं कर सकते, ध्यान देना, मॉडुलस में ऐसा करना गलत है। तो मॉडुलस में अगर मल्टीप्लाई है डिवाइड है तो अलग अलग कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर में मल्टीप्लाई डिवाइड अलग अलग नहीं कर सकते, है ना। मॉडुलस में प्लस या माइनस की चीजों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर साथ में इंटीजर है तो उसको अलग अलग कर सकते हैं। इंटीजर का मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, ध्यान रखिए। देखो अब जैसे इस रूल का यूज करके हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें सीख सकते हैं, इसको जरा बच्चे नोट करिए पहले ध्यान से। देखो देखो जैसे हम लोगों ने अभी रूल पढ़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस आई इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x अलग और i अलग। जैसे मान लो
हमें ऐसा दिया जाए x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मान लो ऐसे दिया जाए। अब देखो क्या हुआ, ये हो गया x और ये क्या हो गया i, i मतलब इंटीजर, ये हो गया x, ये हो गया i। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x और प्लस i साथ में, क्योंकि देखो ये i है, i का मतलब ये इंटीजर है, इसलिए ऐसा किया। तो x प्लस i है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x अलग साथ में i अलग। तो देखो अब इसको लिख सकते हैं टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ध्यान दो। इसी प्रकार मान लो कभी ऐसा हो x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ऐसा हो मान लो। तो अब देखो ध्यान दो क्या हुआ यहाँ पर, देखो ये जो पूरा टर्म है, देखो ये वाला, इस पूरे टर्म की देखो वैल्यू क्या है, टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसकी जगह पर रख दें तो क्या बना बोलो, x प्लस टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ना। इस पूरे की देखो वैल्यू क्या हो गई, टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसकी जगह पर रख दिया। अब देखो क्या हुआ, फिर वही क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस आई, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस आई, तो क्या हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर x अलग और देखो i अलग, ठीक। तो देखो मिलके क्या हो जाएगा, थ्री ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ना। देखो इसकी वैल्यू अलग से देखो यहां निकाली हुई है हमने, इसकी जगह पर ये लिखा, तो ये x प्लस आई हो गया, तो x अलग और i अलग, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी टर्म एक इंटीजर है, इसलिए इसको i कह सकते हैं। अब ये आपस में ऐड हो गया, ये 2 टाइम, ये 1 टाइम, कुल मिला के क्या हो गया देखो 3 टाइम्स हो गया, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखो इस टाइप से हम इनका यूज हर जगह कर सकते हैं इन चीजों का। देखो ध्यान दो, देखो जैसे मान लो हम लोग यहां पर एक क्वेश्चन करें, क्वेश्चन मान लो कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए हमें दिया गया है एफ एक्स बराबर, फॉर एग्जाम्पल ऐसे दिया गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस टू, ठीक है, और दिया गया है प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, ऐसे दिया गया। देखो ध्यान दो, हमें इस पूरे फंक्शन का डोमेन चाहिए है ना, हमें पूरे फंक्शन का देखो डोमेन चाहिए। देखो क्या हो रहा है, दो फंक्शंस आपस में सम हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो अगर दो फंक्शंस आपस में प्लस हो रहे हैं तो क्या करना होगा, इसका डोमेन अलग निकालना होगा, इसका डोमेन अलग निकालना होगा, दोनों के अलग अलग डोमेन को निकाल के उनका इंटरसेक्शन चाहिए होगा। देखो ध्यान दो, इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, रूट है तो रूट के अंदर का टर्म क्या करेंगे बोलो, ग्रेटर देन जीरो करेंगे, क्योंकि रूट डिनोमिनेटर में है तो ग्रेटर देन जीरो। अब देखो क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 2 हुआ, ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या बताया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो क्या हो सकती है बोलो, 3 हो सकती है, और क्या हो सकती है बोलो, 4 हो सकती है, और क्या हो सकती है बोलो, 5 हो सकती है, ऐसे करके, है ना। देखो यहां से x क्या बना, यहां से x बना फ्रॉम 3 टू 4, यहां से x क्या बना बोलो, x बना 4 टू 5, यहां से x क्या बना बोलो, ये बना 5 टू 6 एंड सो ऑन। इन सबको आपस में मिला दें तो x क्या बन गया बोलो, 3 से लेकर के इंफिनिटी, 3 से 4, 4 से 5, 5 सबको मिला दो, सबका यूनियन ले लो, ठीक, ध्यान दो। देखो अब यहां अंडर रूट नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर है, तो हम चाहेंगे कि भाई डिनोमिनेटर का टर्म जीरो होने से रोका जाए, तो क्या हुआ देखो, मॉड एक्स बराबर 3, तो एक्स बराबर क्या हुआ, प्लस माइनस 3। हम एक्स की ये वैल्यूज नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि इन पर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है और हम चाहते हैं कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो, तो हम एक्स की ये वैल्यूज नहीं चाहते, एक्स की ये वैल्यूज नहीं चाहते। अब देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ये कहता है 3 से इंफिनिटी तक लो, ये कहता है ये वैल्यू मत लो। अब देखो अगर हम 3 से इंफिनिटी लेंगे तो इसमें 3 आ रहा है और 3 को हटाना है, माइनस 3 को भी हटाना है, लेकिन माइनस 3 इसमें आ ही नहीं रहा, हमें 3 नहीं चाहिए और माइनस 3 नहीं चाहिए,
अब बाई चांस माइनस थ्री तो इसमें आ ही नहीं रहा, थ्री आ रहा है तो थ्री को हटा देंगे, तो कुल मिला के हमारा इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर आएगा थ्री से इंफिनिटी। देखो थ्री पर इक्वल था, उसको हटा दिया क्योंकि थ्री नहीं लेना था, लेना माइनस थ्री भी नहीं था, लेकिन माइनस थ्री इसमें आ ही नहीं रहा था तो उसको हटाने से फायदा नहीं। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ओपन इंटरवल थ्री टू इंफिनिटी। ध्यान रखें सब बच्चे, ठीक है। तो ऐसे हमें इस टाइप के क्वेश्चन को निकालना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस दोनों मिल करके भी आ सकते हैं साथ में, और इस टाइप के क्वेश्चन भी हमसे पूछे जा सकते हैं। इसको नोट करें सब बच्चे ध्यान से जरा। देखो ध्यान दीजिए, जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया जाए, है ना, फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन दे दिया जाए इस तरीके का कि एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर टू एक्स और माइनस थ्री, हमें क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए और कहा जाए इसका डोमेन फाइंड करिए, है ना, इसका डोमेन फाइंड करिए। अब देखो ध्यान दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x पर है, इसको अलग अलग नहीं कर सकते, अब अंडर रूट तो है नहीं, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई डिनोमिनेटर जीरो कब है। तो हमने कहा ऐसा करते हैं डिनोमिनेटर को जीरो के बराबर रखते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x बराबर क्या हो गया, बोलो 3 हो गया, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x की वैल्यू क्या हो गई, बोलो 3। हम चाहते हैं ये देखना कि आखिर डिनोमिनेटर जीरो कब होगा, ठीक। अब देखो यहां से 2x क्या बनेगा, 2x बनेगा 3 से लेकर के 4 तक, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x बराबर 3, तो 2x की वैल्यू क्या हो गई, बोलो 3 से 4 तक। अब x क्या हो गया, बोलो x हो गया 3 बाई 2 से लेकर के 2 तक, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किया 3 बाई 2, यहां डिवाइड किया 2। तो देखो ये जो x की वैल्यू आई है, ये x की ऐसी वैल्यू है जिस पर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, और डिनोमिनेटर जीरो हमें करना नहीं है, इसका मतलब x की ये वैल्यू नहीं लेनी है क्योंकि इस वैल्यू पर डिनोमिनेटर जीरो होगा। तो लेना क्या होगा, देखो ध्यान दो, डोमेन क्या हो गया, डोमेन इसका हो गया बोलो r माइनस दिस इंटरवल, तो 3 बाई 2 से लेकर 2, ये हमें R में से निकालना है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, है ना, ये वैल्यू नहीं चाहिए तो R में से इस वैल्यू को निकाल दो। क्या वैल्यू है, क्लोज इंटरवल 3 बाई 2 से 2, तो R में से इस वैल्यू को निकाल दो, तो ये वैल्यू निकल गई, तो बचा वही हमारे डोमेन का, देखो आंसर आ गया, ध्यान दीजिए, तो ये हमारे डोमेन का आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, करो सब बच्चे जल्दी से।